गुजरात के जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ में इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि बाढ़ आ गई है। जामनगर में तो 35 गांवों का संपर्क ही कट गया है। एनडीआरएफ की 6 टीमों और वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। गुजरात में सैलाब ने सबके होश उड़ा दिए। भूपेंद्र पटेल के सीएम बनते ही नया चैलेंज आ गया। जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ में तबाही मूसलाधार। जूनागढ़ में जिंदगी का सबसे डेंजरस रेस्क्यू ऑपरेशन। खतरे में पड़ी जान, एनडीआरएफ वायुसेना ने संभाली कमान। ये गुजरात के जामनगर की तस्वीरें हैं। पूरे इलाके को सैलाब ने अपनी आगोश में ले रखा है। एक मकान में कुछ लोग फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक लोहे की ग्रिल लगाई हुई है और उसके सहारे एनडीआरएफ की टीम एक एक करके घर में फंसे लोगों को निकाल रही है। ये देखिए, एक बच्चे को लाइफ जैकेट पहनाई गई है और एनडीआरएफ का जवान लोहे की ग्रिल पर धीरे धीरे खिसक कर उसे बचा रहा है। लोहे की ग्रिल के ऊपर एक रस्सी भी बांधी गई है जिसके सहारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे इलाके में सैलाब रफ्तार के साथ बह रहा है। गाड़ियां डूबी हैं, मकानों की पहली मंजिल तो पूरी तरह से पानी में समा गई है। अब खौफ और खतरे से भरी ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे एनडीआरएफ की टीम का एक जवान एक बच्चे को गोद में उठाकर रस्सियों के सहारे उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। यहाँ रत्ती भर भी गलती सीधे मौत से मुलाकात करा सकती है। सैलाब में अटकी सांसें तो बुलाए गए हेलीकॉप्टर। जामनगर में वायुसेना का जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन। जामनगर में हेलीकॉप्टर से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी देखिए। सितंबर के महीने में बेहिसाब बरसते बादल और उसके बाद आए सैलाब ने जिंदगी को खतरे में डाला, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी बुलाए गए। आप देख सकते हैं, कुछ लोग सैलाब के बीचों बीच एक मकान की छत पर फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक मकान की छत से एक शख्स को हेलीकॉप्टर से ऊपर खींचा जा रहा है। रूह कांपने लगती है। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर में भयंकर बारिश और सैलाब के चलते अब तक 35 गांव का संपर्क टूट चुका है। ज्यादा लोग अपने मकानों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। एनडीआरएफ की 6 टीमें और एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टर लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ ने जामनगर के कालावाड़ में ही रेस्क्यू करके 31 लोगों की जान बचाई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखकर भी हैरान रह जाएंगे। सैलाब के बीच जिंदगी और मौत की जंग लाइव देखिए। अब इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे एक मकान की छत पर लोग फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से एक शख्स ने एक महिला की जान बचाई, वो वाकई हिम्मत और हौसला बढ़ाने वाला है। दो मकानों के बीच एक रस्सी बंधी हुई है, बीच में एक शख्स खड़ा है। महिला एक मकान से पहले इस शख्स के कंधों पर पैर रखती है और ये शख्स हिम्मत के साथ खड़ा रहता है। फिर दूसरी छत पर खड़े कुछ लोग महिला को खींचते हैं। जामनगर के इस इलाके की तस्वीर देखिए, पूरी बस्ती सैलाब में समा चुकी है। कंधों तक पानी है और लोगों को किसी तरह से निकाला जा रहा है। जामनगर में इतना पानी है कि लोगों के होश उड़ गए हैं। मकानों की छतों तक सैलाब पहुंच रहा है। हम आपको हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें दिखा रहे हैं। सैलाब में बह गई कार, मचने लगा हाहाकार। जामनगर में जिंदगी पर सबसे बड़ा प्रहार। इस तस्वीर को भी देखिए, सैलाब का जोर कितना है कि कार भी प्लास्टिक के खिलौने की तरह बही जा रही है और बहते बहते ये कार दूर तक चली जाती है। जामनगर की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे ट्रक और बस डूबे हुए खड़े हैं। सैलाब ने सब कुछ अपनी आगोश में ले रखा है। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रक और बस किसी नदी के बीच में खड़े हैं।
और जामनगर में कैसे एक मस्जिद पूरी तरह से सैलाब में डूब गई, ये तस्वीर भी हैरान करने वाली है। आप देख सकते हैं एक शख्स मस्जिद की दीवार पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जबकि पूरी मस्जिद डूबी हुई है। जिंदगी के लिए बिजली के खंभे का सहारा, जामनगर में जिंदगी की सबसे खतरनाक जंग, ये तस्वीर भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। डूबते घर के अंदर से बचने के लिए कैसे लोग बिजली के खंभे के सहारे जिंदगी दांव पर लगाकर अपनी जान बचा रहे हैं। गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज ही शपथ ली है और आज ही उनका इस चैलेंज से सामना हो गया। भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में भारी बारिश को लेकर राज्य के चीफ सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर इंतजामों पर बैठक की है, साथ ही लोगों की जान बचाने, उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। जामनगर से गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबान का विस्तार पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है और उन देशों के लिए तो खास तौर पर जो कि अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद यह खतरा और बढ़ गया है। रूस और उसके पड़ोसी तीन देशों ने सतर्कता प्लान के तहत साझा युद्धाभ्यास किया जिसका सीधा मकसद तालिबान के खतरे के प्रति तैयार रहना है। ये तालिबान के खिलाफ वो काउंटर प्लान है जो जरूरत पड़ने पर उसकी कमर तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। चार देश साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं क्योंकि दुश्मन भी साझा है जिसका नाम तालिबान है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने से पड़ोसी देश सकते में हैं। डर रहे हैं कि तालिबान नाम की मुसीबत कभी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। ये तैयारी उसी खतरे से निपटने की है। इस जॉइंट ऑपरेशन में अफगानिस्तान के चार पड़ोसी देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। इनमें से ताजिकिस्तान सीधे सीधे अफगानिस्तान से जुड़ा है। ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर पड़ता है। ये बॉर्डर तकरीबन 1200 किलोमीटर का है। अफगानिस्तान के बदख्शां, ताखुर, कुंदूज और बाल्ख राज्य इसकी सीमा से लगते हैं। ताजिकिस्तान वैसे तो मुस्लिम बहुल देश है लेकिन यहाँ का सिस्टम सेकुलर है, इसलिए तालिबान से सबसे ज्यादा खतरा उसे ही लग रहा है। हम जानते हैं कि हमारे देशों और अफगानिस्तान के बीच की सीमा पर संकट है और अफगानिस्तान के हालात अभी स्थिर नहीं है। CSATO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश सुरक्षा की वो दीवार खड़ी करने में लगे हैं जो तालिबान के एक्सपेंशन प्लान को रोक सके। इसलिए इस अभ्यास में रूस भी शामिल है जो कि अमेरिका के अफगानिस्तान से चले जाने से खुश तो है लेकिन सतर्क भी, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। रूस अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार से लगातार बातचीत कर रहा है और चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान से बेहतर रिश्ते भी गांठ रहा है, लेकिन उसे भी ये डर सता रहा है कहीं अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात आतंक का अड्डाना बन जाए, इसलिए इस सैन्य अभ्यास की कमान भी उसी ने संभाली। अफगान सीमा के करीब रूस इस महीने तीन ऐसे ही सैन्य अभ्यास कर रहा है। अगले महीने यही चार देश अपने रण कौशल को एक बार फिर से परखेंगे जब इनकी सेनाएं एक रूसी सैन्य ठिकाने पर मिलेंगी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शाइगु ने पिछले हफ्ते मॉस्को में ऐसे ही युद्ध अभ्यास का जिक्र किया था और कहा था कि क्षेत्रीय सुरक्षा इस वक्त जोखिम में है। वही चिंता इस अभ्यास में भी नजर आई। आज तक ब्यूरो। गुजरात के राजकोट और जूनागढ़ में तो सितंबर की बारिश से गुजरात खौफ में है। दिल्ली और पंजाब में एनडीआरएफ की 5 और टीमें गुजरात पहुंच रही हैं ताकि जिंदगियां बचाई जा सके। गुजरात के सौराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 36 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके चलते कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है।
राजकोट में सैलाब ही सैलाब, मूसलाधार बारिश में अटकी सांसें। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बारिश और बाढ़ ने गुजरात के राजकोट में भयंकर तबाही मचाई हुई है, कैसे लोग जिंदगी को बचाने के लिए सैलाब से लड़ रहे हैं। सबसे पहले राजकोट की ये तस्वीर देखिए, कैसे एक बस्ती में सैलाब ही सैलाब है, ऊपर से बारिश भी मूसलाधार हो रही है। ऐसे में कुछ लोग रस्सी के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रस्सी को गली में खड़ी एक गाड़ी से बांधा जाता है, फिर दो लोग रस्सी को लेकर एक घर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें एक बुजुर्ग फंसे हुए थे, और जान पर खेलते हुए ये लोग बुजुर्ग को बचा लेते हैं। उसके बाद बुजुर्ग की जान में जान आती है और चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। इसके बाद रस्सी के सहारे ही ये लोग और लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजकोट में बस्तियां क्या, रिहायशी इलाके क्या, हाईवे और रोड पर भी सैलाब ही सैलाब है। बारिश भयंकर हो रही है। ये गुजरात के रैया रोड की तस्वीरें हैं, यहाँ तो सैलाब में कारें बहने लगी। आप देख सकते हैं कि कैसे काले रंग की ये कार बही जा रही है, लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हो रही कि इस कार को रोकने की कोशिश करे, क्योंकि इस कार को रोकने का मतलब है खुद की जान खतरे में डालना। काली कार के साइड में एक सफेद कार बह रही है, जबकि उसके आगे भी कई कारें बह रही हैं। और ये देखिए कैसे एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए एक लोहे के बोर्ड को पकड़कर खड़ा है। सैलाब सब कुछ बाहर ले जाने पर आमादा है, लेकिन इस शख्स ने कसकर बोर्ड को पकड़कर रखा है, क्योंकि अगर ये अपनी पकड़ ढीली करता है तो पता नहीं बहकर कहां पहुंचता, क्योंकि जो सैलाब कारें बहाकर ले जा रहा है वो इंसान को तो तिनके की तरह बहा ले जाएगा। जूनागढ़ में भी बारिश बेहिसाब, सितंबर में सैलाब का ऐसा तांडव नहीं देखा। गुजरात के राजकोट के अलावा जूनागढ़ में भी भारी बारिश ने हाहाकार मचाया है। ये देखिए कैसे पुल के नीचे सैलाब बह रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ही कलेजा कांप जाता है। जो लोग इस सैलाब को देख रहे हैं उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के तटीय इलाकों में खासकर जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, ओखा, राजकोट के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। यानी गुजरात के लिए मुसीबतों का सैलाब अभी और आफत लेकर आने वाला है। अहमदाबाद से गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो।